गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हिंदी का पीरियड है तो चलो हिंदी में व्यंजन पढ़ते हैं। टुडे डेट 10/02/2021, टुडे डे वेनसडे। सब्जेक्ट हिंदी, हिंदी में क्या पढ़ रहे बच्चों आज? व्यंजन पढ़ रहे, तो कौन से व्यंजन? म मछली का और य यज्ञ का। तो इसके पहले स्वर अ से आ तक रीड करते हैं। स्वर अ से आ तक, बोलो बच्चों मेरे साथ, लुक एट द ब्लैक बोर्ड। अ अनार का, आ आम का, ई इमली का, ई ईख का, उ उल्लू का, उ ऊन का, रु ऋषि का, ए एड़ी का, ए एनप का, उ उखली का, अब औरत का, अंगूर का, आहा। तो चलो बच्चों व्यंजन राइटिंग करते हैं। तो देखो पहले स्टैंडिंग लाइन, फिर कर्व करते हुए, फिर स्लीपिंग लाइन, और फिर यहां से स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन। कौन सा व्यंजन बन गया बच्चों? ये क्या बन गया? म मछली का। फिर से देखो, स्टैंडिंग लाइन, कर्व करते हुए स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन, और यहाँ पे स्लीपिंग लाइन, क्या बन गया बच्चों? ये म मछली का। तो इसके बाद कौन सा व्यंजन आता? य यज्ञ का। तो देखो आपने, आपको आता है ना ऐसा एंटी कर्व बनाते हुए? एंटी कर्व बनाना है और फिर थोड़ा सा कर्व करके फिर स्टैंडिंग लाइन और यहाँ पे स्लीपिंग लाइन, क्या बन गया? ये य यज्ञ का। देखो फिर से, आपने इंग्लिश में बनाए हो ना एंटी कर्व, तो एंटी कर्व बनाना है, फिर कर्व बनाना है छोटा सा, और फिर यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन, क्या बन गया? ये य यज्ञ का। देखो बच्चों जैसे मैंने पढ़ाई वैसे ही आपको राइटिंग करना है। देखो हिंदी की वर्ब बुक निकालना है, हमें मछली का पेज निकालना है। ट्रेसिंग पार्ट पे हमें मछली का ट्रेस करना है और नॉन ट्रेसिंग पार्ट पे आपको हमें मछली का राइटिंग करना है और रीड करना है। पेज टर्न करना है, यह यज्ञ का निकालना है। ट्रेसिंग पार्ट पे यह यज्ञ का ट्रेस करना है, नॉन ट्रेसिंग पार्ट पे यह यज्ञ का राइटिंग करना है। नीट एंड क्लीन टू लाइन में राइटिंग करना है और रीड करना है। होमवर्क कॉपी निकलना है, होमवर्क कॉपी पे HW डालना है, व्यंजन हेडिंग डालना है, डेट डालनी है और एट लाइन आपको ड्रॉ करनी है। कमल का से ज ज झरने तक आपको सेटिंग करना है, फिर फोर लाइन छोड़नी है, फिर ई से आपको द दरवाजे तक सेटिंग करना है, फिर से फोर लाइन छोड़ना है, फिर ध धनुष से यह यज्ञ का आपको सेटिंग करना है, और यह यज्ञ का आपका टू टाइम्स आएगा बच्चों, और क कमल से लेकर यह यज्ञ तक आपको नीट एंड क्लीन टू लाइन में आपको प्रॉपर राइटिंग करना है और रीड करना है। नेक्स्ट पेज पे आपको HW डालना है, स्वर हेडिंग डालना है, डेट डालनी है, और से यहां तक आपको टू लाइन में नीट एंड क्लीन राइटिंग करना है और प्रॉपर राइटिंग करना है बच्चों, और रीड भी करना है। थैंक यू।